नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे एक मेरे अजीज दोस्त, जिसको बोल सकते हैं काफी टाइम से, उनको मैं भूल नहीं सकता जिंदगी में, और वो ये चाहते हैं कि मैं उनको भूल जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सकता। वो धड़कन फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा, मुझे पता, मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तू मुझे भुला दे ये मैं होने नहीं दूंगा। जी हाँ साथियों, इसी एक डायलॉग के याद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं खासतौर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, राजस्थान में या राजस्थान के बाहर के जितने भी लोग हैं, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट ये कि जोधपुर पाली राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर पाली ओम बन्ना का मंदिर का नाम आपने सुना होगा, ओम यहाँ के लोग देवता हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, पाली के आसपास में है, 16 किलोमीटर की दूरी पे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि पाली जोधपुर जिले से या आसपास के राजस्थान के जितने भी आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार हैं, उनके मुझे व्हाट्सअप नंबर चाहिए। जी हाँ साथियों, एक आदमी को वहाँ पे फेमस करना है, नाम तो धीरे धीरे और भी बहुत सारे वीडियो उनके लिए बनाऊंगा मैं, तो डाल दूंगा, कोई बात नहीं। एक बंदे को वहाँ पे फेमस करना है, इसलिए उनका वहाँ के जितने भी लोकल है ना, पाली के, जोधपुर के, मुझे व्हाट्सअप नंबर चाहिए, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिएगा। और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जितने भी आपके जानकार हैं, मेरे को कम से कम 10,000 नंबरों की नीड है, 10,000 नंबरों की नीड है। मुझे वहाँ बिजनेस प्रमोशन नहीं करना, एक बंदे को वहाँ पे फेमस करना है लोकल टीम में, समझ रहे हो बात को, क्योंकि लोकल टीम में बंदा फेमस होता है तब उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, समझ गए बात को। अब दूसरे स्टेट में, चेन्नई, बम्बई, कलकत्ता में तो किसको कौन जानता है, कोई सुनी है, लेकिन गांव में जितनी इज्जत होती है, तहसील में होती है, जिले में होती है, उसकी वैल्यू ही अलग होती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जोधपुर पाली आसपास या आपके जोधपुर पाली के वीडियो देखने वाले, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे जितने ज़्यादा हो सके व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दें, उसका कोई मिसयूज नहीं होगा। सिर्फ उनको एक व्हाट्सअप में वीडियो डालूंगा बना के, जिसमें वहाँ के ही लोकल आदमी का आपका वीडियो रहेगा, उनको फेमस करना जरूरी है। अगर एक बार 2-4 हज़ार लोगों के पास पहुँच गया तो फिर वो आराम से सब जगह पहुँच जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ऐसी, बहुत जल्दी लोगों को फेमस कर देती हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे ये कि जितने आपके इंडिया के, राजस्थान के मेरे भाई हैं, मुझे फॉलो करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, जोधपुर पाली के जितने भी व्हाट्सअप नंबर है मेरा दिए गए नंबर पे, मुझे सिर्फ या तो पन्ने पे लिख के, जैसे बहुत सारे 100-200 नंबर आपके पास है, तो पन्ने पे लिख के मुझे इमेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, या फिर टाइप करके मुझे व्हाट्सअप कर दें, फिर मैं उनको व्हाट्सअप मेरे मोबाइल में सेव करके उनको एक वीडियो सेंड करना है मुझे, बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ पाली से रिलेटेड, ठीक है साथियों, पाली और जोधपुर से रिलेटेड मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और हाँ, एक बात, एक न्यूज़ और बता दूं भाई, कि मलेशिया के नाम से लोग फर्जी वीज़ा लगवा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बाद में क्या होगा, 12 महीने 14 महीने बाद वो बंदे एयरपोर्ट पे आते हैं, उनको पकड़े जाते हैं, अभी वो जेल में, मलेशिया इमिग्रेशन जेल में है, 4-6 महीने के अंदर गए, कोड़े पड़ेंगे वो अलग, और उनकी कुटाई होगी वो अलग, वो सिर्फ किसकी गलती, एक बंदा 1.5-1.5 लाख रुपए दे के विजिट के मलेशिया पहुंच जाता है, फिर आते टाइम वो पकड़ा जाता है, ये सिर्फ एजेंट की गलती की वजह से, उसका भी मेरे पास एविडेंस वगैरह है, मैं वीडियो बना के अलग से डालूंगा, उनका एजेंट कौन था, किस तरह से उनको भेजा, किस तरह से उनका फर्जी वीजा लगवाया वहां पे, फिर वो एयरपोर्ट पे किस तरह से पकड़े गए, अब उनकी रियल स्थिति क्या है, क्योंकि वो लड़के मेरे टच में है, मेरा यूट्यूब से नंबर लेके उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, उनके घर वाले मेरे को टच में है, तो वो वीडियो में नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगा। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पाली जिले से, जोधपुर जिले से 10,000 नंबर मुझे व्हाट्सअप नंबर चाहिए। मैं ये कोशिश, आप, मैं सोचता हूँ कि आप मेरी कितनी हेल्प कर पाओगे, सिर्फ नंबर आपको देने और कुछ नहीं करना, ताकि उन लोगों को थोड़ा फेमस किया जा सके, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो पाली जोधपुर साइड के हैं, ताकि वो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।